अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम जी, और आप सब लोगों के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं जी सब के लिए। जितने भी लोग मेरे YouTube फैमिली के मेंबर्स हैं, उन्होंने बेशक मुझे दुआ के लिए कहा हो या ना कहा हो, मैं हमेशा उनके लिए दुआ गो हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सैटरडे है जी, और आपको ये व्लॉग मिलेगा संडे को, लेकिन आज फातिमा को छुट्टी है स्कूल से, इसलिए हम सब लोग ही फजर की नमाज़ के बाद काफ़ी देर तक सोए रहे हैं और काफ़ी लेट उठे हैं। आज हमारा काम भी काफ़ी लेट हो गया है, और फातिमा के साथ हमारा प्रॉमिस होता है जी सैटरडे के लिए कि हम इसको लेकर जाएंगे लाहौर, और मॉल में थोड़ा घूमना फिरना होता है इसने, और मैं पूरे हफ्ते की ग्रॉसरी जो ज़रूरी चीज़ें हमारे शहर से नहीं मिलती वो सारा कुछ मैं भी लेकर आ जाती हूँ वहाँ से। तो शाम में इंशाल्लाह हम जाएंगे। अभी हम कर रहे थे अपने काम काज, और बच्चों की चीज़ें जो सेट करने वाली होती हैं वो तो ज़ाहिर बात है साथ साथ ही करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आज अपनी कल की वीडियो के बारे में, जो कि मैंने बनाई थी पंचतन पाक के नाम का दिया जलाने से रिलेटेड, जिसके लिए बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स भी आए और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए। तो मैं उन पॉजिटिव कमेंट्स के लिए शुक्रिया अदा करूंगी सबका, और नेगेटिव कमेंट्स के लिए ये कहूंगी कि खुदारा आप अपनी आखरत जो है वो ख़राब मत कीजिए। आप लोग अपना फतवा देने से पहले इस बात को गौर से जान लीजिए कि मैंने किसी बंदे को भी मजबूर नहीं किया किसी भी काम के लिए। आप लोगों के साथ अपने घर की रूटीन शेयर करती हूँ, जिसमें मैंने आपको बारहा मरतबा दिखाया कि मैं पंचतन पाक के नाम का दिया जलाती हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किलात इसकी वजह से आसान की, और कुछ लोगों ने कहा जी वसीला तो जन्नत में एक मकाम है, बस वही है, आप वसीला बनाकर उनको कैसे कह सकती हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि इस तरह से तो नाउज़ु बिल्ला आप लोगों ने उन हस्तियों का मकाम ही बहुत अपनी नज़र में कम कर दिया, जो कि आप लोग नहीं कर सकते। ता क़यामत, जब तक ज़िंदगी है लोगों की, जब तक दुनिया कायम है, ये हस्तियां जो हैं ये उतनी ही पाक और मुकद्दस रहेंगी इंशाल्लाह, और कोई भी इनकी अहमियत को कम नहीं कर सकता। अगर किसी बंदे को कोई एतराज़ है इस बात पर, तो वो बराए मेहरबानी इस पर अमल ना करे। हमने किसी को मजबूर नहीं किया, लेकिन इस तरह से कहना कि जी आप उनका वसीला क्यों बना रही हैं, आप उनका वसीला क्यों कहती हैं कि इस वसीले से मांगें, तो मेरी अपनी ज़ाती ये राय है कि उनसे बड़ा वसीला दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ता क़यामत पंचतन पाक के लिए ही तमाम अल्लाह ताला ने कायनात जो है वो तख्लीक की है, और उनका रुतबा हमारे नज़दीक जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स से बाज़ रहा करें। मैंने आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का तजर्बा शेयर किया, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की मुझे बहुत सारे लोगों ने कि इसका मुकम्मल तरीका हमें बता दीजिए, और मैंने बिल्कुल आपके साथ हकीकत में जो मेरे साथ हुआ और जितना मुझे इससे फ़ायदा हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है इस पर अमल करें या ना करें, वो आप लोगों की मर्ज़ी। अभी हम आ जाते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। एक दो बहन भाइयों के मुझे कमेंट्स आए थे कि बच्चों को, हमारे बच्चों की सेहत जो है वो ठीक नहीं हो रही, उसके लिए हमें कोई वजीफ़ा भी बता दीजिए और हमें इसके लिए कोई नुस्खा भी बता दीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि मेरी बेटी जो खदीजा है, इसका भी जो HB था वो 5 पर रह गया था। मैंने जब इसको नोट किया कि बहुत ज़्यादा ये दुबली और पतली होती जा रही है, जब ये 8-9 महीने की थी, तकरीबन 10 माह की होगी या 1 साल की आप समझ लें, तो बहुत ज़्यादा लागर और कमज़ोर हो गई है। तो मैं इसको लेकर गई डॉक्टर के पास। तो सबसे पहले इसकी मैं 3-4 चीज़ें आपको बताऊंगी कि आपको मेडिकल के हवाले से भी क्या क्या देखना है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा, उतने महीने में जाकर उतना वज़न नहीं बन रहा उसका, तो आप लोगों को सबसे पहले एक मरतबा डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए। इसके 2 से 3 रीज़न्स हो सकते हैं जी, जो मेरी बेटी को बड़े लाहौर के अच्छे डॉक्टर्स ने बताया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने, वो ये था कि पहला हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, और उसके लिए दवा जो है वो मार्केट में मौजूद है। आप डॉक्टर के साथ उसकी सजेशन के साथ, वो वर्मॉक्स के नाम से एक सिरप है जो डॉक्टर ने मेरी बेटी को सजेस्ट किया था, मैंने उसको दिया,
तो दूसरी बात ये हो सकती है कि जी आपके बच्चे की जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं उसकी उम्र के साथ वो पूरी नहीं हो रही। तो मेरी बेटी के सिलसिले में भी ये था कि डॉक्टर ने बताया कि 6 मंथ्स के बाद आपने बच्चे को पूरे दिन और रात में आधा किलो से ज़्यादा दूध बिल्कुल नहीं देना, किसी भी सूरत नहीं देना। 2 से 3 फीडर दिन और रात में आपने देने हैं, बाकी आपने उसको सॉलिड्स पर लेकर आना है। खदीजा जो थी ये सॉलिड्स नहीं खाती थी, तो हम बस दूध इसके मुंह के साथ लगा देते थे। तो दूध जो है वो 6 मंथ्स के बाद बच्चों के लिए आयरन का कातिल है, ये याद रखिए। एक्सेस जो दूध की मकदार है वो आपने नहीं देनी, सिर्फ आधा किलो दूध सुबह से लेकर रात तक आपने देना है। बाकी 3 टाइम का खाना सॉलिड उसमें आप शामिल कीजिए, जो कि आपके बच्चे की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं जी HB बढ़ाने वाले जो कुछ चीज़ें हैं उनकी तरफ, जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट की उस पर हमने अमल किया और माशाल्लाह से अब इसका HB हमने कराया है तो 12 से ज़्यादा है और बिल्कुल सेहतमंद है। ये हर वक्त थकी थकी और निढाल सी रहती थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसकी रोज़ाना की जो ग़ज़ा है उसका चार्ट एक मुरतब कीजिए, जिसमें कैल्शियम भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए उसमें, इसमें आयरन की चीज़ें भी होनी चाहिए, प्रोटीन को भी ऐड करें, कार्बोहाइड्रेट्स को भी और फैट को भी। ये सारी चीज़ें आपने ये करना है कि आपने इनकी जो ग़ज़ा है उसमें लाजमी एक दिन में एक मील जो है उसमें आपने गोश्त या कीमा या चिकन इसको ऐड करना है ज़रूर, और इसके अलावा आपने फ्रूट्स के साथ कोई चीज़ इसमें ऐड कीजिए, फ्रूट्स ज़रूर उसमें एडिशन करें। और मैं जिस तरह आप लोग देखते हैं रोज़ाना की यखनी बनाते हैं, हम लोग एक दिन मटन की एक दिन चिकन की सुबह को बनाकर अच्छे से गलाकर वो रख लेते हैं और शाम को उसमें हम आधी रोटी जो है वो डिप करके रख देते हैं और फिर उस रोटी को जब वो नरम हो जाए तो उस बोटियों के साथ अच्छे से मैशर के साथ मैश करके रात को हम इसको वो खाना खिलाते हैं। और सुबह के टाइम हम ये करते हैं कि एक दिन हम योगर्ट लेते हैं, घर का हो या बाज़ार का, आप नेस्ले का बच्चे खाएं वो, उसमें हम एक सेब, एक केला और एक ब्रेड का स्लाइस बिल्कुल चूरा करके बारीक से पीस कर दही में ऐड करके आप वो अपने बच्चे को खिलाएं। और 2-3 दिन हम ये करते हैं कि वाइट ऑट्स का पॉरेज मिलता है बाज़ार से, वो आप दूध में प्रिपेयर करें और रात को कुछ नट्स जो हैं वो भिगो कर रख दें, उनका छिलका उतार कर पीस कर और 1 या 2 खजूरें वो ज़रूर बच्चे की आप डाइट में शामिल कीजिए। वो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है इनके लिए। और दोपहर में हम इसके लिए ये करते हैं कि खिचड़ी बनाते हैं जी, एक दिन दाल की, मूंग की दाल की, एक दिन चने की दाल की, एक दिन लाल लोबिया, बहुत ज़्यादा ब्लड को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दालों में याद रखिए उतनी ही प्रोटीन होती है जितनी के गोश्त में। और एक दिन हम बनाते हैं हफ्ते में जी 1 या 2 दिन कीमा बारीक लेकर उसकी खिचड़ी। आप भी अपने बच्चों की ग़िज़ा में ये चीज़ें जो हैं वो लाजमी शामिल कीजिए। अब इसमें रोटी भी आ गई, गोश्त भी आ गया, फ्रूट्स भी आ गए, दूध आप शेक बनाकर पिला दें किसी भी तरह का। खजूर का शेक जो है वो खून की कमी के लिए बहुत अच्छा है, याद रखिए वो आप कर दें। तो बैलेंस डाइट आपने देनी है और दूध जो है वो कम देना है। और पेट के कीड़ों के मामले में आप डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लें, वो भी खून जो है उसकी कमी करता है। अब आ जाते हैं जी हम इसके लिए वजीफ़ा। वजीफ़ा ये है कि जी कमज़ोर और लागर बच्चों के लिए आप एक बोतल छोटी या बड़ी कोई भी सरसों का तेल ले लीजिए और बावजू होकर अव्वलो आखिर 7-7 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद उस पर 1100 मरतबा आपने पढ़ना है या जब्बारू। अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या जब्बारू, ये आपने 1100 मरतबा पढ़कर आखिर में 7 मरतबा दरूद पाक पढ़कर फूंक मार लीजिए उस तेल की शीशी पर, उसको आप रख लीजिए। सरसों का तेल ले लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर जैतून का तेल लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो तेल रोज़ाना आप अपने बच्चे की मालिश किया करें उस तेल से जिस पर अल्लाह ताला का ये नाम आपने पढ़ा हुआ है, ये मेरा आजमूदा है। मैंने ये या जब्बारू 1100 मरतबा वलो आखिर दरूद पाक के साथ जैतून के तेल पर पढ़कर रखा हुआ है और मैं अपने दोनों बच्चों की मालिश इसके साथ करती हूँ। अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते, एक दिन छोड़कर एक दिन कीजिए और उसके बाद कुछ देर के बाद 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद नीम गर्म पानी से बच्चे को नहला दीजिए, तो आप इंशाल्लाह वाज़ेह फ़र्क देखेंगे अपने बच्चे की ग्रोथ में भी और उसके बाकी मामलात में भी, इंशाल्लाह वो सेहतमंद होगा। ये वजीफ़ा इस चीज़ के लिए बहुत पावरफुल है
और आपको जो मैंने गज़ा के बारे में बताया, अगर आप यही चार्ट फॉलो करना चाहते हैं जो मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर की सजेशन के साथ या कुछ और अपने मुताबिक चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट कीजिए प्लीज़। कैल्शियम भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट के लिए आप उनकी यखनी में और खिचड़ी में देसी घी जो है या मक्खन बटर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड फैट्स जो हैं वो छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं और हमें उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। आप हफ्ते में एक मर्तबा अंडा उसको दे सकते हैं। और याद रखिए, एक साल की उम्र से पहले डॉक्टर कहते हैं कि अंडा और शहद आपके बच्चे के लिए जहर है, ये आपने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि उनकी गट्स जो होती हैं, वेन्स जो हमारी अंतड़ियाँ, वो इतनी मजबूत नहीं होती कि ये शहद और अंडे को बर्दाश्त कर सकें। तो इससे एक बहुत सीरियस किस्म की बीमारी लगने का भी ख़तरा है, जो कि अल्लाह ना करे किसी के बच्चे को भी हो। तो प्लीज़ आप लोग ये जो पुराने लोग कहते थे गुट्टी दे दें, आप शहद दे दें, आप अंडा दे दें, एक साल से कम उम्र बच्चे को आपने ये बिल्कुल नहीं देना। बाकी चीज़ें जो हैं, सेरेलैक हो गए अच्छी क्वालिटी के, या जिस तरह से मैंने आपको बताया योगर्ट, केला, सेब, ब्रेड का पीस और यखनी या रोटी, ये तो सारी चीज़ें, खिचड़ी, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आप दही डालकर खिचड़ी खिला दें। कीमा किसी के पास अवेलेबल नहीं भी है तो मैंने आपको बताया है कि दाल में भी उतनी ही प्रोटीन होती है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा उसको दूध पर ही नहीं रखना, कि ज़्यादा फोकस दूध पर नहीं होना चाहिए। दिन रात में आप चार से ज़्यादा फीडर जो दूध है वो बिल्कुल अपने बच्चे को मत दें जबकि वो 6 माह से ज़्यादा का हो जाए। इन चीज़ों पर आप अमल कीजिए तो इंशाल्लाह आपका बच्चा ज़रूर ग्रोथ पकड़ेगा। और ये जो वजीफ़ा आपको बताया है, ये तेल पर आप एक ही मर्तबा पढ़कर रख लें, इससे मालिश किया करें। अल्लाह ताला के इस नाम में बहुत ज़्यादा जो है, ये जाबिर नाम है, देखिए उसका नाम ही वो जब्बारू है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस वजीफ़े की मदद से भी आपकी मुश्किलात ज़रूर हल करेंगे। और आपके बच्चे के से रिलेटेड आप जिस बात पर परेशान हैं कि वो लागर और कमज़ोर है, वो इंशाल्लाह ज़रूर सेहतमंद होगा। तो हम आपसे बातें करते करते, देखिए जी, लाहौर की हमने सैर भी कर ली, मॉल भी फिर लिया, ग्रॉसरी भी हो गई। अब बच्चों को मैं आइसक्रीम खिला रही थी, मॉडल टाउन से हमने खाना भी खाया बाहर ओपन में बैठ कर। और अब हम आ रहे थे जी वापस, रात काफ़ी हो गई थी, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया लाहौर में। और जो ग्रॉसरी की है वो भी जाकर आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। हमें अपनी दुआओं में आप याद रखा करें। मैं भी अपने तमाम बहन और भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अपने व्लॉग को आज के मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और आखिर में फिर यही कहूँगी कि प्लीज़ नेगेटिव बातें जो हैं वो सोचने से आप और उसको करने से पहले ज़रा सोच लिया करें, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ज़रा इस पर भी गौर कीजिएगा कि किन हस्तियों के नाम को आप डिनाई कर रहे हैं, खुदा न खास्ता, अल्लाह आपको खुश रखे। किन बिला वजह सस्ती शोहरत के लिए या अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए। मैंने पहले ही कल की वीडियो में कहा था कि इस दिए को जलाने का जो मकसद है वो किसी भी फ़िरके से जुड़ा हुआ नहीं है, ख्वाह कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई भी है। मैं तमाम मसलक के लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ और बराबर करती हूँ। मेरे नज़दीक हम सब जो हैं वो मुसलमान हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी पाक और इमाम हसन हुसैन और हज़रत अली जो हैं, इनके मकाम जो हैं ये कोई छोटे नहीं हैं, बल्कि मेरे ख़्याल में तो हर चीज़ से बड़े हैं। और आप लोग प्लीज़ इस तरह से दिल आज़ारी ना किया करें। बहुत से लोग जो हैं वो मेरा ख़्याल है उनको बुरा लगा होगा ऐसा, अगर उन्होंने कमेंट्स पढ़े होंगे या सुने होंगे। तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप अल्लाह की ज़ात से ना मांगें और अल्लाह की ज़ात के अलावा भी आपको कोई नवाज सकता है। नाउज़ु बिल्लाह, हम शिर्क की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे ईमान की पहली शर्त ये है कि अल्लाह एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही नवाज सकती है। लेकिन अल्लाह ताला की भी कुछ महबूब हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत अज़ीज़ रखा है अपने पास, तो अल्लाह उनकी दुआएं जो हैं उनकी हमारे हक़ में की हुई दुआएं, और हम जब उनका वसीला अल्लाह को देते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी दुआओं को सुनते हैं, कबूल करते हैं, क्यों नहीं करते।
जिसका अकीदा नहीं है इस पर वो उसकी मर्ज़ी, मैं इसके बारे में मज़ीद जो है वो कोई बात नहीं करूँगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी किया करें। मैंने आपके साथ अपनी तमाम ग्रॉसरी भी आज की शेयर कर ली, जो हमने लाहौर से सारा कुछ ख़रीदा था वहाँ से ही, गोल्ड क्रेस्ट की नीचे से जो ग्रॉसरी स्टोर था वहाँ से अंडे और ब्रेड और दूध और काफ़ी सारी चीज़ें जो लेने वाली थी वो मैंने सब कुछ वहाँ से ले लिया। अभी हमें दीजिए इजाज़त जी इस दुआ के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में खुश और आबाद रहें और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में अमन और सुकून पैदा कर दे और आपकी तमाम हाजतें जो हैं वो पूरी कर दे और जो जो जहाँ कहीं बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता करे, जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना और साथ में बेटियाँ भी अता करे और जिस जिस की जो भी परेशानी है अल्लाह पंचतन पाक का सदका करके उनको हल कर दे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।